यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल यही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। बीते वर्षों में शुरू ही अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सेचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। शत प्रतिशत गांवों में सड़कें हो, शत प्रतिशत परिवारों के बैंक अकाउंट हो, शत प्रतिशत लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही समय है, यही समय है। आज जो ये वैन यहाँ पहुँची सलर, ये हमारा हमने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस दक्षिण कोरा की तरफ से इसको हमने यहाँ अरेंज कर दिया। यहाँ हमने जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ आ गए और जानकारी मिल गई लोगों को, खुद पीएम मोदी साहब की मैसेज जो है वो यहाँ चली बहुत अहसन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से तमाम डिपार्टमेंटों ने इससे शिरकत की। और रूरल डेवलपमेंट चूँकि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो यहाँ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से हमारे मुलाजिम थे इसके साथ, और हम सब मुलाजिम थे, दूसरे डिपार्टमेंटों से आए हुए मुलाजमीन भी थे और सिविलियन लोग भी थे यहाँ। और आपने खुद यहाँ मुशाहिदा किया कि लोगों ने किस तरह इसके माला चढ़ाई और इस गाड़ी को यहाँ स्वागत किया। वो क्यों किया? वो इसलिए किया कि लोगों को अब जानकारी मिल रही है। ये इसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑन डोर स्टेप। तो गवर्नमेंट यहाँ आ गई तो लोगों ने इससे बहुत फ़ायदा उठाया। ये यही दर्शाती है कि लोगों आप बेदार हो जाओ, आप बेदार हो जाओ, आप उठो, खुद उठो और गवर्नमेंट आपके साथ है। गवर्नमेंट हर लम्हे आपके साथ है। हमारी तरफ से हमारा BDO साहब है, वो तो टैलेंटेड मैन है, वो तो हमारा ACD साहब है, DC साहब है, खासकर जहाँ का DC साहब जो है वो DC साहब बहुत अच्छा, वो खुद देता है, खुद देखभाल करता है सब डिपार्टमेंट को, उसने जगा दिया है यहाँ लोगों को। मोदी साहब की मैसेज में यही सुना है कि आप लोगों को खासकर उसका तवज्जो जो था वो लोगों की तरफ ज़्यादा था, तो लोग उससे बाखबर हो गए। तो लोगों ने उससे पूछा, हमने खुद सुना कि वो कुछ वहाँ से एक महिला, जो महिला सभा थी वहाँ से उनके साथ उसने खुद बात की। मोदी साहब बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ही हैज टॉक्ड हिमसेल्फ विद दोज पर्सन्स हु आर सिटिंग इन फार फ्लाइंग एरियाज, हु आर रिजाइडिंग इन फार फ्लाइंग एरियाज, वायर जहाँ ये मुश्किल हो जाता है आम लोगों का जाना, लेकिन मोदी साहब ने उनसे भी बात की, तो ये सबसे बड़ी बात है। मेरा नाम मेहराज अहमद भट, बुस ब्लॉक दशनी पोर। असि आई योतन यह वन अस बूज यह प्रोग्राम, सारी यन इस सलर सलर बाशंद अस बूज यह सठा गौर सान। अस कौर अत बड़ इस्तेबाल अत वन, मतलब जन यन मर्द आमत अस बूज मे ये कम कम स्कीम आम। जो ये संकल्प यात्रा है, यहाँ पे आई ये गाड़ी, हमने जो भी मोदी साहब ने स्कीम्स दी थी हमने वो सुनी खुद ही, ये क्या स्कीम्स है। तो यहाँ पे वैन आई, हम सलर में है, जो भी स्कीम्स है इसकी तो हमने वो खुद सुनी है, तो हम शुक्रगुजार है इस संकल्प यात्रा में, तो जो भी स्कीम्स है हम खुद सुनते हैं। तो मैं चाहती हूँ ये ऐसे ही चले, बहुत अच्छे से इस्तकबाल होता है इसका, तो हम यहाँ सलर में भी बहुत अच्छे से इस्तकबाल हुआ है।